Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share a recipe of stuffed okra means bharvi bhindi. For that we required these ingredients. So let's start with the video. So these are the ingredients as you can see. First of all we have chopped onion and then green chili, ginger and गार्लिक. जिंजर और गार्लिक को हम फाइनली क्रश करके हैंड ग्राइंडर में क्रश करके यूज़ करेंगे और ये सारा मटेरियल हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे. ये है हमारे पास भिंडी जिसको मैंने टॉप को कट करके सेंटर में स्लिट कर दिया है, मतलब सेंटर से एक चीरा लगा दिया है. और ये मैंने थोड़े कुछ अनियन मैंने स्लाइस करके रखे हैं जिसको हम तड़के में यूज़ करेंगे. ये बेसन है, बेसन ने बेसिकली मैंने बाइंड करने के लिए यूज़ किया है. ये राई है जिसे सरसों के दाना भी बोलते हैं. और ये है जीरा. लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और यह है अमचूर पाउडर जिसको हम थोड़ा खटास के लिए यूज़ करेंगे. सो अभी मैं दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से कट लगाना है. ये मैंने टॉप को कट कर दिया है और सेंटर में चीरा लगा देना है. इतना चीरा नहीं लग ज़्यादा चीरा नहीं लगाना कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, हल्का सा चीरा लगाना है. इसी तरह से आपको सारा प्रिपेयर करके रख लेना है. अभी मैंने कढ़ाई रख दी है जिसमें हम बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे. ये मैं बेसन ड्राई रोस्ट कर रही हूँ. ये देखिए बिल्कुल ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट किया है मैंने. ये देखिए इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है. अब इसको मैंने बर्तन में निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है. अब मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है. ये तेल हमारा गरम हो चुका है. सबसे पहले जीरा डालेंगे. फिर ये चॉप किए हुए अनियन और ग्रीन चिली डाल देंगे. और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा सा अनियन का कलर चेंज हो जाए. ये देखें ये कलर चेंज हुआ. अब इसमें मैं अदरक और लहसुन को डाल रही हूँ जिसको मैंने हैंड ग्राइंडर में क्रश कर दिया था. आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छे से भूनेंगे इसको. ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है. अब इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं. सबसे पहले हल्दी डाली मैंने. ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला ऐड कर रहे हैं. लाल मिर्च पाउडर,
ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा तीखा है, कलर वाला नहीं है, तो आप उस हिसाब से यूज़ करें। अभी सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल पक चुका है, मसाले बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट उस हिसाब से ऐड करें क्योंकि अभी हमने इसमें बेसन भी डालना है। ये सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं। अभी हम इसमें जो हमने बेसन भुना था, ड्राई रोस्ट किया था, उसको डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मैं बेसन को जो भी हमने मसाला प्रिपेयर किया था उसके में डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें बेसन बेसिकली हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। ये लास्ट में मैंने अमचूर डाला है खटास के लिए। अगर आपके पास घर में अचार का मसाला हो, सूखा मसाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या खटाई का मसाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। ये बस हमारी स्टफिंग रेडी है, अब इसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम सभी भिंडी के अंदर भर देंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मसाले को अच्छी तरह से भिंडी के अंदर स्टफ कर देंगे। इसी तरह से सभी भिंडी को अच्छे तरह से स्टफिंग कर लेंगे। ये देखें मैंने सभी भिंडी को स्टफ करके रख लिया है, अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। ये मैंने फ्लैट पैन लिया है ताकि अच्छे से पक जाए, कढ़ाई में पक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी पकने में, इसलिए फ्लैट पैन ही ले आप। इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहे कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले तेल गर्म होने पर मैंने इसमें राई डाली है, जिसे सरसों के दाने भी बोलते हैं। अब इसमें स्लाइस किए हुए हैं अनियन डाल दिए हैं मैंने। मुझे भिंडी के साथ अनियन का टेस्ट काफ़ी, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने थोड़े स्लाइस अनियन भी डाले हैं। अगर आपको नहीं डालने तो आप, ये ऑप्शनल है, ना भी डालें, आप सीधा भिंडी को डाल सकते हैं फ्राई होने के लिए। अब देखिए अनियन थोड़ा सा पकने के बाद अब मैं इसमें सारे भिंडी ऐड कर रही हूँ। सारी भिंडी मैंने अच्छे से रख दी है पकने के लिए, अब इसे हम ढक देंगे। अब ये देखिए मैं अब इन सभी भिंडी को पलट दूंगी। आपको हल्के हाथों से इनको चलाना है ताकि भिंडी में जो स्टफिंग कर रखी है वो बाहर ना निकले। अब दूसरी तरफ इसको पलट रहे ताकि दूसरी तरफ भी ये पक जाए।
ये देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से चला रही हूँ ताकि स्टफिंग बाहर ना आए, और ऐसे ही आपको चेक करते रहना है और चलाते रहना है और पलटते रहना है। ये अब यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि भिंडी थोड़ी प्लेन सी ना लगे, थोड़ा सा उसमें सॉल्टी फ्लेवर आए। अब सॉल्ट ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब फिर से मैंने ढक दिया है इसको पकने के लिए। अब इसको ओकेजनली मैं पलट रही हूँ, चेक कर रही हूँ। ये देखिए हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। बस अब इसे हम एक ठंडा होने पर सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप इसे दाल के साथ या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें और मुझे और इनक्रेज करें नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए और आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।